के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ रोमिंग के बारे में। किसी भी मोबाइल में रोमिंग क्यों दिखाई देता है, क्या है उसके कारण और क्या है उसके लाभ, उसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहला कारण ये होता है कि जब हम कोई स्टेट की चेंज करते हैं या स्टेट की सीमा को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम यदि पंजाब से राजस्थान में आते हैं या राजस्थान से हम पंजाब में जाते हैं, तो हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज किया है, इसी वजह से आपका रोमिंग दिखाई देता है। इसका कुछ लाभ भी है, तो ग्राहकों को लाभ देने के लिए ये एक अच्छी सुविधा भी है कि जैसे ही आप स्टेट चेंज करते हैं तो जो आपका टावर है या आपके सिम का जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाता है या आप उसकी फ्रीक्वेंसी से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही बाहर होते हैं तो आपको असुविधा होने लगेगी, जैसे कि आपका जो नेट है वो बंद हो जाएगा, आप किसी को फ़ोन लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिस किसी कंपनी का आपका जो सिम है उस कंपनी का ये ऑटो सिस्टम होता है कि जो आपका सिम है उसमें आपके मोबाइल में सेटिंग में ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि आपका जो टावर है 3G 4G से हट करके 2G में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2G में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ताकि आप किसी से बात कर पाएं। फिर भी आपका नेट नहीं चल पाता है, असुविधा होती है, तो उसमें एक सेटिंग है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाने के बाद में आप सबसे ऊपर आप देखेंगे सर्च लिखा रहता है, तो वहाँ सर्च में आप लिख दें डाटा रोमिंग। जैसे आप डाटा रोमिंग लिखेंगे आपके नीचे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ पर आपका डाटा रोमिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहाँ पर ऐसे क्लिक करके आप उसे ओपन कर लें और वहाँ पर डाटा रोमिंग का जो ऑप्शन होगा वो बंद होगा, उसे आप चालू कर लीजिए। चालू करने के तुरंत बाद ही आपका नेट भी चलने लग जाएगा। तो डाटा रोमिंग एक बहुत ही सुविधा भी है और इस प्रकार से आप इसे इस मुसीबत को सॉल्व भी कर सकते हैं। आशा है कि ये जो नॉलेज है आपके लिए बहुत ही काम का होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें और यदि आप किसी वीडियो का डिमांड करते हैं तो वो भी हमारे कमेंट्स में लिखें, उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।